जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई फ्रेश इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सोशल मीडिया की एक ऐसी बेहतरीन मिसाल बताऊंगा जिसको देखकर आप बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। सोशल मीडिया जहां हर वक्त ट्रोलिंग होती है और किसी का भी नाम किसी भी वक्त वायरल हो जाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर सोशल मीडिया को एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जाए तो किसी गरीब और जरूरतमंद की जिंदगी पूरी तरह से पलट सकती है। तो मैं आपको ऐसा ही एक वाक्य बताने जा रहा हूं जिसको देखकर आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन रुकिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन पर क्लिक कर लें ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दरअसल गौरव वसन, जो एक यूट्यूबर हैं जिनके यूट्यूब का नाम स्वाद ऑफिशियल है, जो फूड से रिलेटेड ही वीडियोस बनाते हैं, तो उन्होंने 6 अक्टूबर को 11 मिनट की एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने बाबा के ढाबा के बारे में उस वीडियो में बताया था। दरअसल इस वीडियो में बुजुर्ग पति पत्नी जिनका नाम कांता प्रसाद और बदामी देवी जिनकी उम्र 80 साल से भी ज्यादा थी, वह बाबा का ढाबा नाम का दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में ढाबा चला रहे थे, वो भी पिछले 30 सालों से। वह आगे बताते हैं कि वह सुबह 6:30 बजे रोजाना उठकर दिन में खाने की तैयारी करते हैं और 9:30 बजे तक खाना बन पाता है। उन्होंने आगे बताया कि वह इस काम से ज्यादा नहीं कमा पाते, लेकिन उनकी ज्यादा उम्र के चलते वह कोई अन्य काम भी नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें यही काम करना पड़ता है। और जब उन्होंने यह बताया कि उनका कोरोना काल में यह काम भी पूरी तरह से ठप हो चुका है और उनका कुछ भी नहीं बिकता, तो उनकी आंखों में से आंसू झलक पड़े। और उन्होंने यह भी बताया कि आज सुबह से दोपहर 1 बजे तक मात्र 70 रुपए की ही बिक्री हुई है। और जब गौरव ने उनके बेटों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, लेकिन उनकी कोई भी मदद नहीं करता, इसलिए उन्हें यही काम करना पड़ता है। जैसे ही गौरव ने यह वीडियो अपने YouTube चैनल 6 अक्टूबर को डाली तो अचानक से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जहां ट्विटर में यह वीडियो ट्रेंडिंग पे आई और फेसबुक पर इस वीडियो को खूब ज्यादा शेयर किया गया। और मात्र अगले 24 घंटे में ही इन बुजुर्ग दंपत्ति का जीवन अचानक से ही पलट गया। अगले ही दिन इनके ढाबे पर इतने ज्यादा कस्टमर्स आने लगे, उन्हें देखकर ये बहुत ही ज्यादा खुश हुए और रोने लगे। और ट्विटर पर भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे स्वरा भास्कर, रवीना टंडन, अनिल कपूर जैसे बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स ने इस वीडियो को वायरल किया और अपील की कि लोग जो भी दक्षिण दिल्ली के आसपास रहते हैं वह बाबा के ढाबे पर जरूर जाएं और जितनी हो सके उतनी उनकी मदद करें। तो आज आप देख ही सकते हैं कि बाबा का ढाबा बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है और वह बुजुर्ग दंपत्ति बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा कि सोशल मीडिया की पावर कितनी ज्यादा होती है अगर उसका अच्छे काम में इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों, यहीं तक थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और अगर ये आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर में इस वीडियो को जरूर शेयर करें और शुद्ध हिंदी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन पर क्लिक कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।